जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मद निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए भारतीय संविधान से 30 टारगेट प्रश्नों को लेकर आए हैं। आपको निश्चित रूप से परीक्षा में इस वीडियो से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को एक बार सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए नीचे आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आइए, दूसरा प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अप है, लेकिन एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो सही जवाब है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? बिल्कुल एग्जाम के लिए सटीक प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। चौथा प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। तो देखिए, इसका सही जवाब है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, क्वेश्चंस के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करें, एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1919 के भारत सरकार अधिनियम जो है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ था सभी को बताते हैं, ध्यान से सुनिए। तो देखिए, इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, महिलाओं को मत देने का अधिकार, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, लोक सेवा आयोग का गठन, ये सभी इस अधिनियम के द्वारा हुआ था, ध्यान रखना है। और द्विसदनीय विधायिका भी बनाई गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? चलिए, आप सभी पांच के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? देखिए, बर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नाम था। तो पांचवें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत वर्मा को भारत से पृथक किया गया था। और देखिए, इस एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा
स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें, और अगर आप बिहार मद निषेध सिपाही के लिए जीके जीएस का डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 8 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो छठे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। चलिए आंसर करेंगे, अखिल भारतीय स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था। तो सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। चलिए आप सभी आर्ट के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। तो सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो अनुच्छेद 123 में इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 50वें नंबर के है DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। चलिए आप सभी नौ के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो याद कर लीजिए, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। वर्तमान समय में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, ध्यान रखना है। और आयरलैंड देश के संविधान से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो इसका आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। मौलिक अधिकार के बारे में किस भाग में बताया गया है, तो भाग 3 में इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसके बारे में बताया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। चलिए 11 के लिए आंसर करेंगे, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो देखिए सबसे पहले BR अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचित हुआ था अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। लेकिन विभाजन के पश्चात जो बंगाल प्रांत का पूर्वी भाग था वो पाकिस्तान में चला गया, इस कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो ध्यान रखना है, बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो पूरा डेट याद रखिएगा 14 अप्रैल, डेट क्या है 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन 1891 में। और मृत्यु कब होती है यह भी याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु होती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो चैत्रा भूमि। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुनिए, एग्जाम में प्रश्न बनता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और दोस्तों, सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने आज के सेशन में कितने प्रश्नों के सही सही आंसर कर पाए हैं। तो 13 का आंसर क्या होगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ध्यान रखना है, देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 24 अगस्त 1946 को, ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था। चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए थे, इसलिए इसमें 389 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने भाग लिया था। तो सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं 22 जनवरी 1946 को स्वीकार किया गया था प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका आंसर जो ये बच्चे 11 को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय संविधान सभा के टोटल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान बनने में कितना समय लगा था पूछा जाता है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था पूरे संविधान को बनने में। और कुल खर्च की बात करें तो 64 लाख रुपया खर्च हुआ था, ध्यान रखना है संविधान तैयार करने में। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, तो याद कर लीजिए प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। 18वां प्रश्न है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। चलिए आप सभी 18 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बी एन राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए, संविधान सभा का प्रारूप जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था,
और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है संविधान सभा द्वारा। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसके रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। और जनगण मन को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा बीसन नारायण धर थे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था कब? तो 20 का आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1950 में। ध्यान रखना है पूरा डेट है 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? चलिए किसके लिए आंसर करेंगे और देखिए जितने भी ऑप्शन है सभी को ध्यान से देखिए, सभी के बारे में बताते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आचार्य जेबी कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, जबकि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो सही जवाब है सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, ध्यान से सुनिए। प्रस्तावना के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो विचार है इसे लिया गया था अमेरिका देश के संविधान से। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, देखिए प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है इसे ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। तो दोनों फैक्ट को ध्यान रखना है। इसका सही जवाब है जी ऑस्टिन। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए बिहार मद निषेध सिपाही के लिए इस चैनल पर दो टाइम पर क्लास होता है, एक रात 8 बजे और दूसरा क्लास है रात 9 बजे। तो दोनों क्लास को आप लोग डेली अटेंड करें। तो 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? और देखिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो बहुत ही सिंपल है, ये है अखंडता। देखिए आपको याद होगा एक होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो 42वां हुआ था 1976 में, यहाँ पूछ रहा है 1975 में, तो अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है? तो देखिए ये जाना जाता है सार्वभौमिकता। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? चलिए 26 के लिए आंसर करेंगे, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव
व्यक्त करता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब पूछ रहा है, इसका सही जवाब है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं बताया गया है, बताया गया है आर्थिक न्याय के बारे में। तो वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता है लेकिन बताया गया है आर्थिक न्याय के बारे में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है ये क्या है? राज्यों का संघ है। ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के भाग एक और अनुच्छेद एक से चार तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ध्यान रखना है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यह भी ध्यान रखना है। फजल अली थे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 30 का आंसर है ए ऑप्शन, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य है, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।